भारत के और झारखंड के प्रसिद्ध विचारक चिंतक साहित्यकार संस्कृति कर्मी और सामाजिक आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के तमार थाना अंतर्गत दिवड़ी गांव में 23 अगस्त उन्नीस को हुआ था तो दोस्तों भारत के और हम कहेंगे झारखंड के भी प्रसिद्ध विचारक जिनका नाम था रामदयाल मुंडा उनका जन्म रांची जिले के तमार थाना अंतर्गत दिवड़ी गांव में 23 अगस्त 1939 को हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था वो आदिवासी घराने में हुआ था आपको ये भी जानकारी को ध्यान रखना है और ये एक प्रसिद्ध विचारक चिंतक साहित्यकार संस्कृति कर्मी और साथ ही साथ सामाजिक आंदोलन के नेता थे आज इनकी जन्म जयंती है और ये झारखंड के प्रसिद्ध और महान व्यक्ति हैं तो आपको ये भी जानकारी ध्यान में रखना है कि इनकी आज जन्म जयंती है और ये अभी तक के झारखंड के प्रसिद्ध और महान व्यक्ति हैं तो आपको इतनी सारी इतनी सारी जानकारी को याद रखना है साथ ही साथ इनका जो जन्म डेट है यानी कि जन्म तिथि है वो तेईस अगस्त उन्नीस सौ उनचालीस है ये तो आपको हमेशा से याद रखना ही रखना हो सकता है यहाँ से आपके लिए एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इनकी आज जयंती है तो हम आज इसके बारे में ही पूरी जानकारी को देखते हैं क्या रही इसके बारे में जो जानकारी है साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या जानकारी है रामदयाल मुंडा झारखंड आंदोलन को राष्ट्रीय फलक तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो ये जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा है जब झारखंड का निर्माण होना था उस समय ये झारखंड आंदोलन जो चल रहा था उसको ये राष्ट्रीय फलक तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथ ही साथ नाइनटीन में शिकागो अमेरिका से वापस भारत लौट करके और बाद में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की और झारखंड की भाषाई पहचान की यात्रा शुरू की तो आपको ये याद रखना है कि ये 1982 में अमेरिका के शिकागो शहर से भारत लौटे थे और आने के बाद में इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग था उसमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी लेकिन वो वहाँ से आने के बाद में इसकी स्थापना की इस विभाग की और झारखंड की जो भाषाई पहचान है इसको यहाँ पर दिलाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन का जीवन यहाँ झारखंड की संस्कृति में रचा बसा था और जीवन का हर राग लय झारखंड के लिए ही था और ये जमीन से जुड़े प्रकृति प्रेमी संस्कृति प्रेमी और भाषाई प्रेमी थे तो आपको ये भी याद रखना है कि रामदयाल मुंडा का जो जीवन था वह झारखंड की, mm. की ही संस्कृति में झारखंड की भूमि में ही बसा हुआ था और जीवन का हर एक सांस हर एक राग इनका झारखंड के लिए ही था और ये जमीन से जुड़े व्यक्ति थे साथ ही साथ प्रकृति को प्रेम करने वाले थे और संस्कृति अपनी संस्कृति को प्रेम करने वाले थे ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले भी व्यक्ति थे तो ये इनकी खासियत थी झारखंड की भाषा साहित्य के लिए ये अनवरत प्रयासरत रहे इन्होंने खुद नागपुरी मुंडारी पंचप्रगनिया भाषा में लेखन किया तो ये जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा हैं या रामदयाल मुंडा जो थे वे झारखंड के भाषा साहित्य के लिए हमेशा से पूरी तरीके से कोशिश करते रहे लास्ट तक अपने जीवन के प्रयासरत रहे और इन्होंने खुद अपने ही हाथों से नागपुरी भाषा में मुंडारी भाषा में और साथ ही साथ पांच प्रगनिया भाषा में बहुत सारे लेखन का कार्य किए तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने जो है अपना क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे अच्छे अच्छे लेख लिक लिखे हैं रामदयाल मुंडा हमेशा एक बात बोलते थे आपको ये बात है उसको याद रखना है जो नाची से बाची मतलब ये क्षेत्रीय भाषा का कहा हुआ है तो इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे जो नाचेगा वो बचेगा तो इसको हम लोग जानेंगे कि ये जो रामदयाल मुंडा थे वे हमेशा एक बात को लगातार बोलते ही थे जब भी मौका मिलता था ये ये बात को बोलते ही थे जो नाची से बाँची मतलब जो बचे जो नाचेगा वो बचेगा इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि इनको अपनी संस्कृति से इतना प्यार था कि ये लोग नाच गान में भी हमेशा शरिक होते थे नाच गान ये हमेशा करते रहते थे इसी कारण से ये कहते थे कि जो नाचते रहेंगे या जो नाच गान करते रहेंगे हर्ष उल्लास में रहेंगे वो हमेशा से बचे रहेंगे उनका जीवन जो है वो हमेशा ठीक रहेगा ये सोचते थे और ये बात को ये हमेशा बोलते ही रहते थे इसके अलावा ये एक चीज़ को और बोलते थे उसका है नाम माए माटी और मान मतलब माए माटी आर मान ये है ये जो बोलते थे और इसको अगर हम हिंदी में समझेंगे तो इसका अर्थ था धरती माँ प्रदेश और सम्मान यानी कि माए से हो गया धरती माता का माटी से हो गया जो अपना प्रदेश का जो माटी है जो भूमि है उसको और सम्मान तो सम्मान मतलब कि अपना आत्मसम्मान है या तो फिर जो है अपना सम्मान की नज़रों से या अपने जो समाज से हैं सम्मानित रहना है ये चीज़ को ये हमेशा बोलते रहते थे तो धरती माँ प्रदेश और सम्मान इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो हैं जमीन से जुड़े हुए अपने धरती से जुड़े हुए साथ ही साथ अपने धरती माता से जुड़े हुए कितने प्रसिद्ध और अच्छे व्यक्ति थे ये आप इनकी इन दो बातों से समझ सकते हैं पूरी तरीके से ये अपनी मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और साथ साथ प्रकृति प्रेमी और भाषा से बहुत प्रेम करने वाले थे ये हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जिनका जो है अभी जन्म जयंती मनाया जा रहा है या आज इसका जन्म जयंती है इसके अलावा में अगर हम बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको हम देखते हैं तो इनका जो जन्म है वो तो हमें पता चल गया कि तेईस अगस्त उन्नीस को हुआ है और 1980 के दशक में शिकागो अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्य किया तो ये जो रामदयाल मुंडा हैं वो 1980 के दशक में शिकागो अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जिनका नाम है मिनेसोटा वहाँ पर इन्होंने शिक्षण का भी कार्य किया है नाइनटीन में रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से जुड़े तो ये 1981 में रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से जुड़े थे इसके अलावा में 1983 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रहे तो आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 1983 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए या फिर आप कह सकते हैं ये वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी रहे थे वो भी ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के नेशनल यूनिवर्सिटी में 1986 से 1988 में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने तो ये बाद में नाइनटीन 1986 से 1988 में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने थे 1987 में सोवियत संघ में भारत महोत्सव में सांस्कृतिक दल का नेतृत्व किया इन्होंने यानी कि रामदयाल मुंडा ने सोवियत संघ जिसको अभी हम लोग वर्तमान में कहते हैं रूस तो उस समय वहाँ पर भारत महोत्सव होता था और वहाँ पर भारत की ओर से सांस्कृतिक दल का नेतृत्व करता यही थे इससे भी हम समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक से इनको बहुत लगाव था यहाँ के रीति रिवाज रहन सहन से इनको कितना लगाव था कि इन्होंने सोवियत संघ में जो भारत महोत्सव हुआ था वहाँ पर अपने देश का अपने सांस्कृतिक दल का नेतृत्व किया था 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आकलन समिति के सदस्य भी रहे थे तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उस समय उन्नीस में वहाँ के जो आकलन समिति थे वहाँ के भी ये सदस्य रह चुके थे उन्नीस में 1991 से उन्नीस के बीच में झारखंड पीपुल्स पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष भी रहे थे उन्नीस से उन्नीस के बीच में जब झारखंड गठन की बात हो रही थी झारखंड गठन के समय उस समय झारखंड पीपुल्स पार्टी के ये प्रमुख अध्यक्ष भी थे यानी कि प्रमुख अध्यक्ष भी बने थे झारखंड पीपुल्स पार्टी के डॉक्टर रामदयाल मुंडा उन्नीस यानी कि 1996 में सिराक्यूज विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से जुड़े बाद में फिर इन्होंने उन्नीस सौ छियानबे यानी कि नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स में सिराक्यूज विश्वविद्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है वहाँ से भी ये जुड़े थे नाइन्टीन नाइन्टी सेवन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सलाहकार समिति के भी सदस्य रह चुके थे यानी कि आप बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ के जो सलाहकार समिति थे वहाँ पर भी ये सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं वो भी नाइनटीन यानी कि उन्नीस में 2007 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से ये सम्मानित किए जा चुके हैं 2007 में इनको संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी मिल चुका है 2010 यानी कि 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं यानी भारत सरकार की ओर से पद्मश्री दिया गया है इनको 2010 में तो पद्मश्री से सम्मानित 2010 में इनको किया गया था भारत सरकार की ओर से 2010 में ही ये राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे तो दो यानी कि टू में इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे दोस्तों 30 सितंबर 2011 यानी कि 30 सितंबर 2011 को बहत्तर वर्ष की उम्र में अपने गांव दिवड़ी में ही इनका देहांत हो गया और ये हम सबों को अकेला करके छोड़ करके चल गए तो बहत्तर वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने गांव देवड़ी में ही अपना देहांत हो गया इनका और वो जो डेट है वो है तीस सेप्टेम्बर दो और उसके बाद से ये हमारे बीच में तब से नहीं है तो इनका जो योगदान है झारखंड में और साथ ही साथ भारत में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है तो हमें जो इनका योगदान है उसको तो कभी भूलना नहीं चाहिए और हमें इनको बार बार सत सत नमन करना ही चाहिए दोस्तों इसके बारे में हम एक चीज़ और जानते हैं कि ये जो है चीन जापान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी भ्रमण कर चुके हैं या वहाँ पर भी जा चुके हैं तो ये जो अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अलावा चीन जापान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी जा चुके हैं दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इनके बारे में कि इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म है जिनका नाम है नाची से बाँची वो जो है 2017 में प्रकाशित किया जा चुका है तो इनके जीवन पर आधारित फिल्म है नाची से बाँची जो 2017 में 2017 में प्रकाशित किया जा चुका है तो ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थे झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में तो ये आपको याद रखना है दोस्तों अभी 2021 दो में यानी कि इसकी जो 82 यानी कि बिरासीवं जयंती है उस पर झारखंड के राजधानी रांची में मोराबादी टाइगर हिल के पास में स्थित ओपन स्पेस थिएटर में इनकी ढोल बजाते हुए नौ फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो आपको ये भी याद रखना है कि अभी जो इनका विरासीम जयंती चल रहा है दो में तो यहाँ राजधानी रांची के मोराबादी टाइगर हिल के पास में स्थित ओपन स्पेस थिएटर है वहीं पर इनका ढोल बजाते हुए एक प्रतिमा का अनावरण किया गया और उसकी जो ऊंचाई हुआ है नौ फीट तो ये इतने बड़ी शख्सियत थे इनका जो योगदान है झारखंड के विकास में झारखंड की संस्कृति में झारखंड के जो क्षेत्रीय भाषा के इनका योगदान महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंट है और वैल्यूएबल है तो आपको ये याद रखना है और अभी इनकी नौ फीट की ऊँची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है तो इतनी सारी जानकारी को आपको याद रखना है डॉक्टर रामदयाल मुंडा से और इनकी जो है जन्म जयंती अभी आज के दिन में ही मनाई जा रही है तो ये आपको पूरी जितनी भी जानकारी को मैंने बताया सभी के सभी को याद करके रखना है